पड़ता था उन 6-7 घंटे में पंडित जवाहरलाल नेहरू, और ये बात मुझे आज मेरे कानों में गूंजती है, तो पूछते थे कि पिछले महीने क्या क्या किया तुम लोगों ने स्कूल में, कितनी पढ़ाई की, कितने स्पोर्ट्स में भाग लिया, साइंस शुरू करी या नहीं शुरू करी, अपने और क्या एक्टिविटीज है, और क्या चीज़ों में अपना समय, उनकी उनका समय हमसे बातचीत करने में जाता था। ये नहीं था कि अधिकारी आ जाते थे या वो फोन में लगे रहते थे, ये सब बात नहीं थी। उन 6-7 घंटों में वो ना तो कोई फोन, ना तो कोई अधिकारी, देहरादून के सर्किट हाउस में केवल हमसे चर्चा और हमसे बातचीत, हमें सुनाना कोई ऐसा करना, अगले महीने जाके ये करना, हमें बताते थे कि हमें अगले महीने जाके, और कहते थे जब मैं आऊँगा फिर से मैं पूछूंगा कि आपने क्या क्या किया। तो आज जब हम पंडित जी को याद करते हैं, हमने सुन लिया बहुत कुछ उनके बारे में, पर जब अपना देश आजाद हुआ, पंडित जी अपने पहले प्रधानमंत्री बने, अपना देश क्या था ये आज बच्चों को बहुत गंभीरता से समझना पड़ेगा। और बुजुर्ग भी हैं, उनके ध्यान में ये बात नहीं रही कैसा देश था, कितनी चुनौतियां थी अपने देश में, किस प्रकार का प्रजातंत्र हुए, किस प्रकार का संविधान हुए, अपने देश में कैसी कानून व्यवस्था हुई, अपने देश में कैसे प्रांतों का विभाजन हुए, ये चुनौती थी, भाषा की चुनौती थी, धर्मों की चुनौती थी, जातियों की चुनौती थी। एक ऐसा देश जहाँ इतनी विभिन्नता, एक ऐसा देश जहाँ इतनी अनेकता, प्रांतों को कैसे बांटा जाए, और बांटने के बाद किस प्रकार का प्रजातंत्र हुए। डॉक्टर अंबेडकर जी थे जिन्होंने हमारे समय